किया था कि नहीं किया था, उनके रस्तों पर ही चल रहे हैं। और वैसे ही माफिया राज, वैसे ही सांप्रदायिकता, ये क्या भला करेंगे लोगों को। ये साइकिल की बात करती है, करते हैं। इनकी साइकिल में अगर पूरी साइकिल देखो तो करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के पहिया लगे हैं, भ्रष्टाचार के पहिया, और कमीशन के पैडल हैं, भ्रष्टाचार के पहिया, कमीशन के पैडल और सीट पर बैठे माफिया। ये आ गए तो जनता को तबाह कर देंगे, ये आ गए तो जनता को तबाह कर देंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ माफियाओं की छाती पे बुलडोजर चलवाते हैं, और इनका राज आया तो माफिया राज चलाएंगे। बताओ ऐसा उत्तर प्रदेश पसंद करोगे क्या? बड़ी मुश्किल से रास्ते पे आया है उत्तर प्रदेश। चारों तरफ विकास, सड़कों का जाल, यहां तो इसलिए रह गए कि वो सपा आ गई थी, लेकिन अब अज्जू भी आ गया, सड़क बनवा के सबसे पहले देंगे ये। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ जनता के सेवक लेकिन माफियाओं को बुलडोज करने वाले मुख्यमंत्री योगी जी। अब बताओ कितना परिवर्तन हुआ है। जब सपा का राज तब बिजली मिलती थी क्या, बताओ आज मिलती है कि नहीं मिलती? और एक बात सुन लो किसान भाइयों, अब तो इस सरकार के बनने के बाद भाजपा की खूब बिजली, खूब ट्यूबवेल चलाना, बिजली जलाना, बिल तो बाबा जी भरेंगे सरकार के खजाने से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, छोटे किसानों की संजीवनी बन गई 6,000 रुपया हर साल। किसानों की फसल की खरीदी, अगर मैं काम गिनाऊं तो यहां रात हो जाएगी बहनों और भाइयों। क्या गजब का काम उत्तर प्रदेश पर हुआ है। मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूं, उत्तर प्रदेश मोदी और योगी के राज में भाजपा की सरकार और बनी तो हिंदुस्तानी दुनिया के नंबर एक का राज्य बन जाएगा। और इसलिए मेरा निवेदन है, इधर उधर नहीं देखना है। अब पता चला है वोट कटवा भी खड़े हुए हैं बसपा। अब अखिलेश के साथ वैसे तो जो जो गया उसकी दुर्गति हुई है। पहले ये राहुल बाबा के संग चले गए 17 में, लोगों को साथ पसंद है, तो ऐसा फटका लगा कि भाजपा 325 से ज्यादा सीट देगी।